एम्प्लीमेंट लेके आते हैं कि हाँ किसान को और भी पता चलेगी क्या क्या एम्प्लीमेंट है हमारे पास। हमारी भी तैयारी चल रही है, कल आज शाम तक हमारा स्टॉल हो जाएगा। तो हम ये बिहार के फार्मर के फार्मर तक ये एडवांस टेक्नोलॉजी पहुँचाना चाहते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं एक न्यूज़ 24। मैं हूं आपके साथ रिया सुमन। इस वक्त हम गांधी मैदान में, जहां पर कृषि से रिलेटेड सारी तैयारियां किया जा रहा है। यहां पे आपको बता दें कि किस तरह से किसान जो है आम जिंदगी जीता है, और किस तरह से जो किसान है खेती बाड़ी करता है। आप देख सकते हैं ये भैया जो है धान का, जिसको बोलता है धान रोपनी करवा रहे हैं, वो ये कटाई वाला है ना भैया, ये क्या बना रहे हैं आप? ये मैं रोप रहा हूँ बस। धान कटता है वही ना? हाँ मैं। अच्छा, ये जो प्रोग्राम है कितने तारीख को होने वाला है? ये होगा 9 से स्टार्टिंग है, 12 को खत्म हो जाएगा जी। यहाँ पे कितने लोग मौजूद रहेंगे? यहाँ पे सरकारी का मतलब सरकारी लोग मौजूद रहेंगे और स्टाफ सब रहेंगे। पूरे कृषि को दर्शाया जा रहा है, जैसे मैं बात किया जाए तो पूरा किसान का जो लाइफ जिस तरह से होता है वो ये सारी चीजों को दर्शाता है जी। मैम आप देख सकते हैं ये जो धान की रोपनी है, ये धान की रोपनी किया जा रहा है, यानी किसान लोग जो है खेत में किस तरह से धान की रोपनी करते हैं ये यहाँ पे दिखाया जा रहा है। हम आपको बता दें, देखिए कट का बना हुआ एक जो हल होता है, किसान जो हल का प्रयोग करता है देहात में जाकर खेत में जो हल चलाने का काम करता है, ये हल है वही। तो आप देखिए यहाँ पे एक ट्रैक्टर है, जिससे ट्रैक्टर से हल की जुताई होती है, खेत की जुताई वगैरह होता है, वो पूरे कृषि विभाग के द्वारा ये सारी चीज़ों की तैयारियां किया जा रहा है। यानी 9 तारीख और 12 तारीख तक ये पूरे तैयारियां जोरों से चलते रहेंगे और 12 तारीख को ये ख़त्म हो जाएगा। हल को जो देख रहे हैं कट का बना हुआ है, यानी कट से बनाया गया हल है, गाँव में इसे हल बोलता है, यानी कि इसी से खेत की जुताई होती है। यहाँ पर ट्रैक्टर देख रहे हैं, ट्रैक्टर पे किसान आम किसान जो होते हैं यहाँ पे बैठ के वो ये पूरे खेत की जुताई करते हैं और उनका लाइफ इसी तरह से चलता है। यहाँ पर भी देख सकते हैं ये, इसको गांव में भी हल ही बोलता है, इससे भी खेत की जुताई होती है। इससे क्या होता है ना कि पूरे तरह से खेत को अच्छा बनाता है। यहाँ पे देख सकते हैं गाड़ी के चक्के हैं और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। चलिए हम आपको दिखाएँगे, सारी चीज़ों को दिखाने का प्रयास करेंगे, हमारे साथ तब तक बने रहे। ये जो है हार्वेस्टर है, जो गांव में यानी भूसा की काम करता है, ये मशीन किसान इसे यूज करते हैं। आइए हम ये क्या है? ये आ गया रीपर है हमारा, मतलब ये पंजाब में पहले रीपर भूसा बनाने के काम की यूज़ किया जाता है। जैसे हार्वेस्टर जो काट के चली जाएगी खेत में, उसके बाद इसका काम क्या होता है कि हाँ उस जो नीचे क्वाइल बचा हुआ है उसका भूसा तैयार करके पशु को खिलाने के काम करता है। आप कहाँ से हैं? मैं वैसे तो बेसिकली पंजाब से हूँ, यहाँ पे जॉब करता हूँ। पटना में जॉब करते हैं? मैं बाल बिहार देखता हूँ, आई कबोटा कंपनी में हूँ मैं। जी जी, ये जो किसान की तैयारियाँ चल रही है पूरे किसान से रिलेटेड है, यानी कृषि विभाग से मान लीजिए, तो यहाँ पे कितने लोग रहेंगे? अभी देखिए, मतलब कि मेरा तो पहली बार ही है यहाँ पे एक्सपीरियंस, तो जैसे अभी देखिए जो चीज़ें बनाई जा रही है इससे क्या लोगों को, मतलब आने वाले जैसे एग्रीकल्चर के मामले में किसान यहाँ का बहुत कम जानता है, यहाँ पे बस रोटावेटर के बारे में जानता है, यहाँ कल्टीवेटर के बारे में, डिस्क के बारे में। एम्प्लीमेंट लेके आते हैं कि हाँ किसान को और भी पता चलेगी क्या क्या एम्प्लीमेंट है हमारे पास, कि जो किसान आपको यूज़ कर सकता है, इसी विषय से हम लेके आते हैं। यानी पूरे किसान से रिलेटेड मशीन से यहाँ पे उपलब्ध है ना? यहाँ पे खेती कैसे किया जाता है? ये काफ़ी अच्छी तरह से तैयारी चल रही है यहाँ पे, हमने भी पार्टिसिपेट किया है, बहुत सारी और कंपनी में भी पार्टिसिपेट किया है। हमारी भी तैयारी चल रही है, कल आज शाम तक हमारा स्टॉल हो जाएगा और कल हम बड़े पैमाने पर इस स्टॉल को या इस एग्जीबिशन को। किस चीज़ का स्टॉल? हमारा एक ट्रैक्टर कंपनी का, ट्रैक्टर का स्टॉल है हमारे, कुबोटा करके ट्रैक्टर कंपनी है। अभी बिहार में हम धीरे धीरे आ रहे हैं, अभी रेस्ट महाराष्ट्र में, रेस्ट ऑल इंडिया में हम अच्छा खासा नंबर्स बेच रहे हैं, बट अभी बिहार में भी हमें एंटर करके अच्छे खासे नंबर्स, अच्छा ट्रैक्टर बेचना है। हमारा ये बिहार एक एडवांस टेक्नोलॉजी का कुबोटा, एक एडवांस टेक्नोलॉजी का ट्रैक्टर है, तो हम ये बिहार के फार्मर के फार्मर तक ये एडवांस टेक्नोलॉजी पहुँचाना चाहते हैं। यहाँ जो किसान है, बिहार के किसान है, जो कम जागरूक है, यानी इस चीज़ों के बारे में बहुत कम जानते हैं, तो आप उन तक कैसे कैसे करके पहुँचाएं? हाँ, इसीलिए हम ये बड़ा प्लेटफॉर्म है, एक्चुअली एग्जीबिशन एक बड़ा प्लेटफॉर्म है, तो जो भी कस्टमर या जो भी ग्राहक आएगा उनको हम पूरी तरह एक एडवांस टेक्नोलॉजी की एक जानकारी दे देंगे और उनकी तरफ पहुँचने का हम पूरा प्रयास कर देंगे इस एग्जीबिशन के माध्यम से। मैं कुबोटा कंपनी से हूँ, मार्केटिंग का काम देखता हूँ, मैं पुणे में बैठा हूँ, पुणे से आया हूँ ये एग्जीबिशन अटेंड करने के लिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो हल के सामान यहाँ पे है, ये क्या है?
ये हैरो बोलते हैं, इससे खेत की जुताई होती है और किसान इसको यूज करते हैं। बिहार में कम लोग जानते हैं ऐसे हल के बारे में, वो लोग ज्यादातर कट का यूज करते हैं, यानी जो बैल वगैरह से चलाया जाता है, तो ऐसे चीजों का कम। ट्रैक्टर के थ्रू चलाया जाता है इसको, ये कल्टीवेटर है, इससे भी जुताई होती है। जी, ये सारी जो मशीन वगैरह दिख रहा है ये क्या है? ये सब अलग अलग मशीन है, ये लेवलर इसको बोलते हैं, ये हमारा लेवलर है और इससे मतलब जो मैदान होता है उसको एक लेवल करने के लिए यूज में किया जाता है। ये भी ट्रैक्टर से ऑपरेटेड होता है। ये भूसे वाली मशीन है बेसिकली, इससे हम भूसा का रिसाइकलिंग करते हैं, जो धान के गेहूं के भूसे होते हैं उसकी रिसाइकलिंग होती है। ये एक चैप कटर मशीन है, इससे कटिंग होता है, जो जिसका भूसा इसमें हम फिर बाद में रिफाइन करते हैं इससे कटिंग होने के बाद। ये मक्का थ्रेशर है, एक्चुअली जो मकई का बाल होता है ना उससे हम निकालते हैं उसके दाना, हाथ से नहीं निकाल के मशीन के थ्रू निकलता है, ज़्यादा क्वांटिटी में होता है वो होता। तो अभी आपने देखा है बिहार में बहुत ऐसे चीज़ का जो है आ गया है जो किसान आमतौर पर यूज कर सकते हैं और काफ़ी ज़्यादा उन्हें अनुभव होगा और ये जो चीज़ें हैं इससे कम समय में वो अपना काम कर सकेंगे। पहले क्या होता था, पहले के ज़माने में बैल से हल को चलाना बहुत मेहनत लगता था और काफ़ी ज़्यादा समय लगता था लोगों को, लेकिन अब अगर ये चीज़ों को अगर बिहार में उपलब्ध कराया जाए तो कहीं ना कहीं किसान का जो टाइम है वो बचेगा, समय बचेगा, मेहनत ही कम लगेगा, यानी सारी चीज़ों को देखते हुए ये चीज़ों को बिहार में उपलब्ध कराया गया है। गाँव में जो किसान होते हैं आमतौर पर हाथ से यानी हसुआ से धान कटाई करते हैं, उन्हें ये भी नहीं पता होता है कि बिहार में ऐसे मशीन आ गया है जो हाथ से नहीं, ये अपने आप ये मशीन है जो काटेगी धान को, यही है ना भैया? काटेगी, ये मशीन रिपर बाइंडर है, गेहूं धान को काटेगी, साथ साथ बंडल बांधेगी, एक घंटे में एक एकड़ की कटाई बंधाई दोनों साथ करेगी और एक घंटे में एक लीटर डीजल की खपत है। कीमत इसकी 5,35,000 रुपये, जिसमें गवर्नमेंट 2,50,000 रुपये सब्सिडी दे रही है। अभी बिहार में नया? बिहार में नया नहीं है, बिहार में काफ़ी पुराना है और सब्सिडी के तौर पे भी जा रहा है और काफ़ी अच्छी मात्रा में, साल के लगभग 600 से 700 मशीन बिहार में ही सेल होती हैं और भी बाकी डिस्ट्रिक्ट में अदर डिस्ट्रिक्ट में होती हैं। कंपनी सालाना 4,000 से 5,000 रुपये मशीन बेचती भी है। देखिए यहाँ पे कुआं बनाया गया है, जो गांव में कुआं होता है कुआं से पानी निकालते हैं, लेकिन कम गांव में मिलता है, लेकिन फिर भी जो कुआं होता है बहुत काम आता है ग्रामीण लोगों के लिए। ग्रामीण क्षेत्र में ज़्यादातर जो होता है कुआं ही किसानों को काम देता है। आप देख सकते हैं गांव में किस तरह से मकई रोपा जाता है, यहाँ पर मकई भी रोपा हुआ है, यानी कृषि से रिलेटेड सारे चीज़ों को यहाँ दर्शाया गया है। यहाँ पर कुछ और चीज़ है, गोभी रोपा गया है, मकई है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक किसान भैया हैं जो एकदम पगड़ी वगड़ी बांध कर खड़ी हैं, ये बता रहे हैं कि ये किसान ही कैसे करते हैं ये सारे चीज़ों को लेकर। यहाँ पे बीच बीच वाले खेत में खड़ा है, वो दिखा रहे हैं लोगों को कि भाई हम खेती कर रहे हैं यहाँ पे, किस तरह से कर रहे हैं वो दिखा रहे हैं। ऐसे तमाम अपडेट के लिए हमारे साथ जुड़े रहे। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक कीजिए, यूट्यूब को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।